पिछले 5 महीनों से लंदन में गंभीर बीमारी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज करा रहे इरफान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल फोटो बदली है। यह इलाज के दौरान उनकी पहली फोटो बताई जा रही है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल इरफान इस फोटो में काफी दुबले दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस फोटो में ईयरफोन लगाए और हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमारी की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया है। जून में इरफान खान ने एक लेटर लिखकर अपना हाल बयां किया था। इरफान 51 ने अपने इस इमोशनल लेटर में लिखा था कि अब उन्होंने परिणाम की चिंता किए बगैर हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं मालूम 4 महीने या 2 साल बाद जिंदगी कहां लेकर जाएगी। जून के आखिरी सप्ताह में मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा थी कि इरफान इस साल के अंत तक ही इंडिया लौट पाएंगे। रिपोर्ट्स में यह दावा बिना नाम बताए इरफान के एक दोस्त के हवाले से ही किया था। ये भी बताया गया था कि ये दोस्त इरफान से लंदन में मिलकर लौटा है। इरफान लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म कारवां का एक गाना शेयर किया है, साथ ही उसके इमोशनल लिरिक्स भी लिखे हैं। मैं अपने ही मन का हौसला हूँ, है सोया जहाँ पर मैं जगा हूँ। जब से इरफान लंदन गए हैं तब से अब तक उनकी एक फिल्म ब्लैकमेल रिलीज हो चुकी है और दूसरी कारवां रिलीज के लिए तैयार है। बताया जाता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले इरफान कारवां पर काम कर रहे थे। 3 अगस्त को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में इरफान, दुलकीर और मिथिला के अलावा कृति खरबंदा भी अहम रोल में नजर आएंगी।